हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं आपके सीलेंट ट्रेड्स पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलेंट ट्रेड, इनमें से कौन ऐसा जो है जो कि आपका सीलेंट ट्रेड है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, सी फैन। सी फैन जो है ये आपका सीलेंट ट्रेड है और ये जो है आपका है गॉर्जीनिया। इसके अलावा सी कुकुम्बर और सी लिली ये आपके इकाइनोडर्म्स हैं और सी हॉर्स जो है ये आपका फिशेस है, पिसेस ग्रुप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर, सी फर का जो है जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो सी फर का साइंटिफिक नेम है वो है आपका ओबेलिया जेनिकुलेटा। ये आपका इसको कॉमनली सी फर के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल यानी मूंगा जिसे बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेड कोरल का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका कोरेलियम रूब्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरेलियम रूब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ, इनमें से कौन जो है वो कोरल रीफ का टाइप नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैगून्स। लैगून्स जो है वो आपका कोरल रीफ का टाइप नहीं है और ये एक प्रकार से जो नैरो वाटर चैनल होता है 20 से 30 आपका मीटर का, तो इसको बोल देते हैं लैगून्स। बाकी ये तीनों जो है आपके टाइप हैं, टाइप्स ऑफ जो कोरल रीफ्स होती हैं इनके टाइप्स हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैगून्स। नेक्स्ट है, कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, फंजिया का साधारण नाम है, तो जो फंजिया है इसका जो साधारण नाम है वो उसको हम मशरूम कोरल के नाम से भी जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशरूम कोरल। टीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ 2013 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ डेड मैंस फिंगर, डेड मैंस फिंगर्स के नाम से किसको जानते हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कायोनियम। एल्कायोनियम को हम डेड मैन फिंगर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप्स ऑफ सीलेंट्रेट शो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें कौन सा ग्रुप है जो आपका मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइफनोफोरा। साइफनोफोरा ग्रुप जो है वो आपका मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। नेक्स्ट है, द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबेलिया इज नोन एज, जो फीडिंग ज्वाइंट्स है ओबेलिया का वो आपका क्या कहलाता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो आपका मेडूसा होता है और फीडिंग पार्ट जो होता है वो होता है आपका पॉलिप्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलिप्स। नेक्स्ट है, ए कोरल रीफ लाइंग क्लोज द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइसलैंड इज नोन एज, जो कोरल रीफ है ये आपका लाइंग द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइसलैंड, तो इस प्रकार की जो रीफ होती है ये कहलाती है आपका फ्रिंगिंग रीफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रिंगिंग रीफ। नेक्स्ट है, जो कि आपका टीजीटी
बायोलॉजी 2003 में आपका आया है। नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, दंश कोशिका निम्न में से पाई जाती है। तो नेमेटोसिस्ट जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आपका सीलेंट। नेमेटोसिस्ट जो है वो आपका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आपका सीलेंट रेट्स का। निडेरिया जो है वो नीडोब्लास्ट सेल्स इसी के नाम से जाते हैं, और इसमें जो है नीडोब्लास्ट सेल में एक टॉक्सिन फील्ड होता है, इसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TGT 2003 में आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ फाइलम सीलेंट्रेटा, इनमें से कौन जो है वो आपका फाइलम सीलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी कुकुम्बर। ये आपका इकाइनोडर्म्स है, ये आपका सीलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, जो हाइड्रा की नेमेटोसिस्ट होती है इसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस आपका विषैला पदार्थ पाया जाता है, इसको बोल देते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, ऐसा कौन सा जो है एनिमल्स है जिसमें आपका जो आपका जिसमें नर्वस सिस्टम तो है पर आपका ब्रेन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। हाइड्रा में आपका नर्वस सिस्टम तो होता है पर आपका ब्रेन नहीं होता, ये TGT बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़ करके। तो ये आपका फैट्स को यानी वसा को भी, शर्करा को भी और प्रोटीन्स को भी पचा सकता है, लेकिन जो स्टार्च है स्टार्च का डाइजेशन नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। नेक्स्ट है, एग्जॉन्स ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं तो एग्जॉन्स जो होते हैं हाइड्रा के वो होते हैं आपके नेकेड। नेक्स्ट है, इन ऑरेलिया रोपेलियम इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, ऑरेलिया में जो रोपेलियम होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है किसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, एफायरा लार्वा जो है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑरेलिया, ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में जो लार्वा होता है वो होता है आपका एफायरा लार्वा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल्स इन ऑरेलिया ऑरिटा इज, जो एड्रेडियल कैनाल होती हैं ऑरेलिया में वो कितनी होती हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8, 8 आपकी एड्रेडियल कैनाल होती हैं। नेक्स्ट है, जो कि आपका TGT में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। तो स्टेटोसिस्ट जो होती है ये आपका स्टेटोसिस्ट जो है वो आपका पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओबेलिया, स्टेटोसिस्ट जो है वो ओबेलिया में पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटाजेनेसिस ऑकर्स इन, जो मेटाजेनेसिस है यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है, मेटाजेनेसिस आपका
पाया जाता है। तो मेटाजेनेसिस जो है वो आपका पाया जाती है ऑप्शन बी ओबेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेन्यूला लार्वा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्लेन्यूला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। तो प्लेन्यूला लार्वा जो है वो आपका जो लाइफ साइकिल है ओबेलिया की, ओबेलिया की लाइफ साइकिल में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है, सेंसरी सेल्स ऑफ ओबेलिया इज, ओबेलिया की संवेदी कोशिका होती हैं, तो जो ओबेलिया की संवेदी कोशिका होती हैं वो होती हैं आपकी लिंथोसाइट। ये आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंथोसाइट। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निडेरियंस पे यानी सीरेंट्रेट्स पे। थैंक यू।